the scene of offense is altered. Everything is altered. So everything is videographed. Nothing is altered. Everything is videographed. Most shocking fact, the FIR is registered after cremation at 11:45 night. When they reach, they say that she has committed a suicide. नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं NBT ऑनलाइन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में लीपापोती की गई है, शायद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने या तितर बितर करने की भी संभावित तौर से कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने यह आरोप लगाया गया है CBI की ओर से। इस मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और CBI ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इसी दौरान मामले की तफ्तीश कर रही CBI की ओर से ऐसा बड़ा आरोप लगाया गया। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे थे, जबकि CBI की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रख रहे थे। इस पूरी सुनवाई में कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। सुनवाई के दौरान CGI DY चंद्रचूड़ ने पकड़े गए आरोपी की चोट के बारे में, मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछा, जिस पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये केस डायरी का हिस्सा है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में CBI ने 5वें दिन जांच शुरू की थी, लेकिन तब तक सब कुछ बदल दिया गया, और जबकि CBI को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई रिपोर्ट भी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस टिप्पणी पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कड़ी आपत्ति दर्ज करा गए और उनकी इस दलील का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ वीडियोग्राफी में है, ना कि कुछ बदला गया है। इस गर्मागर्म बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को यह भी बताया कि पीड़िता के अंतिम संस्कार के बाद 11:45 पर FIR दर्ज की गई थी, जबकि वीडियोग्राफी भी तब कराई गई जब पीड़िता के सीनियर्स और सहकर्मियों ने विशेष तौर से आग्रह किया था कि इस केस की वीडियोग्राफी कराई जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके ऐसे आग्रह से ऐसा लगता है कि शायद उन्हें इस बात का संदेह था कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुलिस डायरी और पीड़िता के पोस्टमार्टम के समय में अंतर क्यों है। साथ ही सवाल भी किया कि अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज करने से पहले पोस्टमार्टम कैसे होने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस का व्यवहार बेहद शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बंगाल पुलिस ने जो तरीके अपनाए हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक नहीं थे। मामले की सुनवाई कर रही 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि उन्होंने पिछले 30 सालों में ऐसा केस नहीं देखा। ऐसा कहते हुए उन्होंने बंगाल पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई। मामले की जांच कर रही CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मेडिकल हॉस्पिटल में पहले से कोई गड़बड़ियां थी, लेकिन इसके बारे में 2023 में ही बता दिया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में IT मिनिस्ट्री ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा है कि वे जूनियर डॉक्टर का नाम, फोटो और वीडियो को तुरंत हटा लें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि तत्काल इसका पालन किया जाए, जिसके दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी उसके पहचान को छिपाने की यहाँ पर बातें कही गई हैं। मंत्रालय ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मृतक डॉक्टर की पहचान योग्य चीजों को तुरंत हटाने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश का पालन ना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अभी मामले की सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, और क्या तमाम अपडेट्स आती हैं वो लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।